प्यारे देशवासियों, भारत को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का साथ होना बहुत जरूरी है। कॉमेडियन राज सोनी जी है ये, और इनको देखते ही पहचाने, देश ही नहीं पूरा दुनिया में ये फेमस है, और कई सारे जो है जगह पे शो पे ये काम कर चुके हैं अभी तक, और इनका बहुत डिमांड रहता है। तो किसी तरह आज इनसे बातचीत करने का हमको मौका मिला, तो हम राज भैया से मिले हैं, मेरे फैमिली से आज मिलने आए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप बहुत प्यारे हो इसलिए भी, और आर्टिस्ट भी हैं, डबल क्वालिटी है इनमें। चलिए थैंक्स। तो ये राज भैया आज आए हैं, इसको तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हम बार बार देना चाहते हैं धन्यवाद, क्योंकि इन लोग का इतनी बिजी शेड्यूल है, इतनी बिजी शेड्यूल है। 3 महीना पहले मैंने याद किया था इनको, बट किसी कारणवश मिलना नहीं हो पाया था, लेकिन इन्होंने याद रखा था। ये जमीन से जुड़े हुए एक्टर हैं, और ऐसे लोगों की जो है ना डिमांड ज़्यादा रहती है। तो राज भैया, आप ये जर्नी को कैसे शुरू किए थे? देखिए, ऐसे तो अपना पढ़ाई लिखाई चल ही रहा था, लेकिन स्कूल टाइम में कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ फंक्शन होते हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता था कि मैं मिमिक्री ठीक ठाक कर लेता हूँ। तो स्कूल में मैंने एक दो बार जोक वगैरह बोला था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया, और वही वो लोग थे मेरे अंदर ये कीड़ा डालने वाले, तो वहाँ से शुरुआत हुई। धीरे धीरे कई जगह प्रोफेशनल तरीके से आप कहेंगे तो मैं जब मैंने कॉलेज में था, 12th मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं धीरे धीरे स्टेज करना अच्छे मतलब प्रोफेशनल तरीके से शुरू किया। आपका कुछ मेमिक्री जैसे अजय देवगन या फिर और किस कुछ एक्टर का भी आप किए थे? इसको एक और है जॉनी लेवर, उनका भी आवाज़ आप निकाले थे, ये कैसे आप कर लेते हैं? मैं अभी तो मिमिक्री मैंने बहुत कम कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं जैसे राजकुमार साहब से शुरू करते तो उनका वही अंदाज सब जानते हैं, यानी ना तलवारों की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो केवल बीवी की फटकार से। तो इस पर कई सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे सनी देओल साहब आते तो कहते हैं, ओए राजकुमार जी, मैनेजर तो ये 2.5 किलो का हाथ है, जिसके ऊपर पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है, लेकिन ये 2.5 किलो का हाथ जब मेरी पत्नी आती है तो दोनों हाथ मिलकर उसे प्रणाम करते हैं जी। कई सारे एक्टर, जैसे अगर मान लीजिए इसी बीच में नरेंद्र मोदी साहब होते तो कहते, प्यारे देशवासियों, भारत को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का साथ होना बहुत जरूरी है, और ये युवा ही हैं जो देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे तो जॉनी लिवर सर के साथ मैं उनके शोज में कई बार रहा हूँ, और हम उनके टीम के हिस्से भी हैं। जॉनी लिवर साहब का एक अलग अंदाज होता है। बाबा, मेरे छोटा छोटा बच्चा बाबा, एक नाम है राजू, खाता काजू रत बाजू, मैंने उसको कितना बोला बाबा, वो मेरी बात नहीं मानता है। अच्छा, उसी में आगा ये बच्चे अजय देवगन साहब का एक अलग ही अंदाज है, जो मुझे, he is my favorite actor। खबे तो अब डोरे लूटा, घेरों में कहा तुम था, खबे तो अब डोरे लूटा, घेरों में कहा तुम था, मेरी किस्ती वही थी डूबी, चाह पाजी ही कम था, होता माजी सटक ली। अच्छा, अगर शाहरुख खान साहब यहाँ पर होते और उनका अंदाज कुछ अलग ही निराला है। ए या ए सिनोरिटा, मुझे 2 टाइप की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, एक वो जो मेरे पास जल्दी आ जाए और दूसरी वो जो आने में बहुत देर करे।